Asalam-o-alikum guys, जो मुझे नहीं जानते उनके लिए मेरा नाम फाहद है और मैं ग्लासगो से बिलोंग करता हूँ। और ले जी आज नई जगह, नया पानी और नया समुंदर आज आपको दिखाने जा रहे हैं। यह है जी पोट्री जगह आइज ऑफ स्काई लैंड में जो है ये जगह है और तकरीबन ग्लासगो से 5-5.5 घंटे की ड्राइव पे है जी। और बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही ज़्यादा पुरसकून जगह, बहुत ही प्यारा व्यू और स्पेशली जो कि उस वक्त फील हो रहा था कि अल्लाह की कुदरत है कि देखें कि इतनी खूबसूरती और इतनी ज़बरदस्त जगह जो है वो देखने को मिली हमें उस वक्त। वहाँ पे बंदा भी वैसे एक दो ही मिले हमें जो अभी आपको नज़र आएंगे देखने में, तो कोई बंदा नहीं मिला वहाँ पे, क्योंकि पैदल थोड़ा सा इस तरह का था कि कोई भी नहीं आया हुआ था। लेकिन हम बाय चांस वहाँ पे पहुँचे। अभी स्टिल रनिंग हो रही है लेकिन महसूस नहीं हो रही, शायद कैमरे ने उसको कैप्चर नहीं किया, लेकिन कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, जो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि बारिश होती रहती है, रुकती नहीं है, तो अभी भी बारिश हो रही है। ये देखें जी, ये है जी वो सीन जिसे हम देखने के लिए इतनी दूर आए, ये समुंदर का किनारे वाला सीन। और समर की वजह से पहाड़ियाँ बहुत हरी भरी हैं, बहुत दिलचस्प और नज़ारे हैं। समुंदर के जो लहरें हैं इनका अपना ही मज़ा है, लहरों से हिलता हुआ पानी, इसकी अपनी ही एक ज़बरदस्त लुक निकलती है। अच्छा जी, अगर आप यहाँ पे जाएं, अगर आपको वेदर अच्छा मिल जाए तो आपके पास तीन ऑप्शनें होंगी, दो या तीन ऑप्शनें मिलेंगी। एक तो लोक कोथर है, वो है जी 11 किलोमीटर है, 7 माइल्स बनते हैं, 3 आवर की जर्नी है रिटर्न। और रास्ता जो है ना वो इजी वॉक है, सो मोस्टली ऑन अ ट्रैक आपको मिलेगा। और दूसरी ऑप्शन है जी रूभा नाम के नाम पे ना, उसकी 12 किलोमीटर रास्ता है और 8 माइल्स बनता है वो, और उसकी भी 3 घंटे की रिटर्न है। तो ये भी इसकी भी जो है वो इजी वॉक है, मोस्टली ऑन ट्रैक्स हैं, क्वाइट रोड हैं, बस ध्यान से पाथ के ऊपर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तीसरी ऑप्शन आपको मिलेगी ब्रदर्स पॉइंट है जो है इसके करीब, उसकी 4.5 माइल्स रन है जी, इसकी भी इजी वॉक है और जो है ट्रैक बना हुआ है, तो ये भी तीसरी ऑप्शन आप गेन कर सकते हैं। सो मैं तो नहीं जा सका, वेदर नहीं अच्छा मिला मुझे, लेकिन आप जब जाएं
वेदर ज़रूर चेक करके जाएं ताकि आप अगली चीज़ें ज़्यादा इन्जॉय कर सकें। और ये स्पेशली हिल वॉकर्स के लिए है क्योंकि वो वॉक करते रहते हैं तो उनको इतना मसला नहीं होगा। लें जी इजाज़त दें, फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।